दिल्ली में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए मेडिकल एसोसिएशन ने तुरंत ऑड इवन स्कीम लागू करने की सिफारिश की है। और आपको हम बताते चले कि डीएमए ने राजधानी की स्थिति पर पॉल्यूशन रेड अलर्ट जारी करने की सिफारिश की है। एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि वातावरण से जहरीले कणों को हटाने के लिए आपात उपायों की जरूरत है। एसोसिएशन ने यह भी कहा कि सिर्फ सड़कों पर यातायात के बारे में उपाय करके स्थिति नहीं सुधर सकती है, इसके लिए दुर्गामी उपायों की जरूरत है। तो दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने अहम फैसले भी किए हैं और दिल्ली में 15 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि शादियों में चलाए जाने वाले पटाखों पर भी दिल्ली सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। इस बीच दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक एनटीपीसी ने बदरपुर पावर प्लांट को भी बंद कर दिया है और अगले 10 दिनों के लिए कोयले से चलने वाले बदरपुर पावर प्लांट को बंद किया गया। ये दो तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन रद्द करने का काम शुरू हो चुका है जो पुरानी डीजल गाड़ियां हैं, और वहीं दूसरी तरफ पटाखे चलाने पर भी बैन लगाया गया है। तो देश की राजधानी दिल्ली में स्मॉग आफत बनकर छाया हुआ है और लोगों को हवा जहरीली होने के चलते सांस लेने में भी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और बढ़ते हुए प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और सरकारी हलकों में भी बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल इससे छुटकारा मिलता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली को एक तरफ खतरनाक स्मॉग से निजात मिलती नहीं दिख रही तो दूसरी तरफ इस पर सियासत जारी है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल दवे के साथ हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के पर्यावरण मंत्रियों ने बैठक की, लेकिन इस बैठक में भी प्रदूषण पर सियासत भारी रही। दिल्ली के मंत्री ने जहां बढ़ते प्रदूषण के लिए पंजाब हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया, तो पंजाब और हरियाणा के मंत्रियों ने कहा कि 80% प्रदूषण के लिए दिल्ली खुद जिम्मेदार है। इसको हमको समझना होगा कि दिल्ली की समस्या 80% है, 20% में अन्य राज्यों से जो पराली जलने के कारण आता है वह हिस्सा है जो कि 70-80% के आसपास जल गई है, उसका जो नुकसान हमें होना था हो गया है। उधर दिल्ली में प्रदूषण का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया है। पर्यावरणविद सुनीता नारायण ने एक याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। कल सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल इस मैटर के ऊपर सुनवाई होगी और हमारी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ कोर्ट सख्ती से गवर्नमेंट को बताएगी कि क्या करना है। देखिए, मैं तो जा नहीं सकती, आप जा नहीं सकते, हमें यहाँ रह के लड़ना है। तो मैं नहीं जानती कि कौन जा रहा है, मगर मैं नहीं जा रही, हम लड़ेंगे और हवा साफ करेंगे। इस बीच एनजीटी ने फिर प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा, कृत्रिम बारिश कराने की प्लानिंग पर कितना काम हुआ, हेलीकॉप्टर से पानी छिड़काव के प्रस्ताव का क्या हुआ, फसलों के अवशेष जलाने वाले कितने लोगों का चालान काटा गया है। एनजीटी ने यह भी पूछा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है। एनजीटी ने पॉल्यूशन के मुद्दे पर केंद्र समेत दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सरकार को भी फटकार लगाई। एनजीटी ने सभी सरकारों से पूछा कि उन्होंने प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया है। कोर्ट ने कहा है एक तो कि आप एयर जो आपके पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए आर्टिफिशियल रेनिंग क्यों नहीं कराते, इस पे तुरंत काम करिए। ये सारी बातें जो केजरीवाल जी कर रहे हैं ये बहुत पहले से चल रही हैं, कुछ नया नहीं है। नया अगर ये होगा अगर ये काम करें, कोर्ट बार बार कह रहा है कि आप कुछ काम करिए, भाषण बंद करिए और काम करिए। इस बीच दिल्ली में हवा की क्वालिटी निचले स्तर पर है। हवा में मौजूद कई किस्म के छोटे कण वैसे ही खराब हैं जैसे 1952 में लंदन में थे। साल 1952 में लंदन में ग्रेट स्मॉग से 4000 लोगों की मौत हो गई थी। प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप के बीच दिल्ली सरकार ने इससे निपटने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है और सड़कों से धूल कण हटाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ
पेड़ों में पानी का छिड़काव कर पत्तियों को भी पानी से साफ किया जा रहा है। इस बीच राहत की एक और खबर है कि हवा की गति बढ़ने से स्मॉग में रविवार के मुकाबले कमी आई है, हालांकि प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। ब्रजेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो वहीं स्मॉग को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। आज दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्मॉग के मुद्दे को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता मुंह पर मास्क पहने हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स और अस्पताल का स्ट्रेचर भी वो साथ लेकर खड़े थे। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। केजरीवाल, 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 केजरीवाल,